की ओर जो श्रावस्ती से है, जहां पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को उठानी पड़ती है समस्या। चिकित्सकों और स्टाफ नर्स के मनमाने रवैये से मरीज परेशान। प्रसव कक्ष में डिलीवरी के बाद देखरेख का अभाव। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं दे रहा ध्यान। बीते सप्ताह 3 नवजातों की हो चुकी है मौत। 3 मौतों के बाद भी नहीं सुधरी अस्पताल की व्यवस्था। संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। बीते सप्ताह 3 नवजातों की हो चुकी है मौत। 3 मौत के बाद भी नहीं सुधरी अस्पताल की व्यवस्था। मरीजों को हो रही दिक्कत। संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा। श्रावस्ती से खबर है, जहां संयुक्त जिला चिकित्सालय में मरीजों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को समस्या उठानी पड़ रही, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों और स्टाफ नर्स के मनमाने रवैये से नाराज है मरीज। प्रसव कक्ष में डिलीवरी के बाद देखरेख का भी अभाव सामने आया है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं है प्रशासन। बीते सप्ताह 3 नवजातों की हो चुकी है मौत। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता केपी सिंह। केपी सिंह, ये जो जिस तरीके की बात सामने आ रही, जब संयुक्त जिला चिकित्सालय के द्वारा कार्रवाई की गई है और अस्पताल की लापरवाही श्रावस्ती से सामने आ रही है, इस पर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जो संयुक्त जिला चिकित्सालय जो मुख्यालय ढींगा पर संचालित किया जा रहा है, उसमें लगातार अव्यवस्थाओं का बोलबाला कहा जा सकता है कि लगातार जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उनको सुविधाएं नहीं मिली। शासन के द्वारा लगातार कही जा रही है कि सुविधाएं जिला अस्पतालों में होनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिली। खासतौर से सबसे ज्यादा परेशानी प्रसव पीड़िताओं के लिए, जो महिलाएं आती हैं प्रसव के लिए, उनको जो स्टाफ नर्स है या जो चिकित्सक है वो तो न तो उनको समय से इलाज मुहैया करा पाते हैं और ना ही जो दवाएं अस्पताल से जो मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं अस्पताल से मिली चाहे वो उनको मिल पाती हैं। मरीज आते हैं और लगातार घंटों तक वो तड़पते रहते हैं और फिर जब उनकी हालत गंभीर हो जाती है तो उनको रिफर कर दिया जाता है। आपको हम बताते हैं कि अभी पिछले सप्ताह ही बताया जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से जो है 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि उसमें बाद में सीएमओ ने जब जाँच की तो जो है बताया कि ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके दूसरे कारण थे। और इस मामले को ब्रजेश पाठक जी ने भी उस दौरान संज्ञान में लिया था, लेकिन ना तो उस मामले पर कोई कार्रवाई हुई और फिर लिपा पोती करके मामले को टाल दिया गया। तो लगातार जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है उस पर लगातार ना तो जो जिम्मेदार यहाँ की जो लोकल स्तर के हैं वो ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जा सकता है कि कोई गंभीरता से लिया जा रहा है। लगातार आए दिन ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जब मरीजों को जो है खुद जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी, शिकायतों के बावजूद भी, ना तो जिला प्रशासन ना तो अस्पताल का प्रशासन उनको गंभीरता से लेता है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सुविधाएं मरीजों को मिली चाहिए सरकारी अस्पताल में, सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस वार्ताओं के माध्यम से जो बताए जाते हैं, उनसे बहुत दूर है जिला चिकित्सालय। जानकारी देने के लिए धन्यवाद केपी सिंह। प्रसव कक्ष में डिलीवरी के बाद देखरेख का अभाव सामने आया है, जिसको लेके प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रुकेंगे।